हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखेंगे कि कोरल ड्रॉ में ट्रांसफॉर्म टूल कैसे यूज़ करते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्म टूल होता है ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है और इससे क्या क्या बनाया जा सकता है, आज हम इसके बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म टूल को यूज़ करने के लिए आप किसी शेप का भी यूज़ कर सकते हैं। किसी शेप को भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर उसका यूज़ कितने दूरी पर आपको सेट करना है वो कर सकते हैं, या फिर एज ए इमेज भी कर सकते हैं। मैं एक इमेज डाउनलोड किया हूँ, मैं इस इमेज को कैसे यूज़ करना है ट्रांसफॉर्म टूल की सहायता से वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, इसका दो तरीका है। आपने फ़ोटो छोटी कर ली, या तो आप फ़ोटो को रिपीट कंट्रोल आर का जो शॉर्टकट की होता है उसके थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, लेफ़्ट क्लिक से मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे छोड़ना है वहाँ मैं राइट क्लिक पे करके इसको छोड़ रहा हूँ, और उसके बाद कंट्रोल आर दबा रहा हूँ, इससे ये फ़ोटो रिपीट हो रही है। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक है इसका, कि आप लेफ़्ट क्लिक से उसको ड्रैग करिए और राइट क्लिक पे छोड़ दीजिए, उसके बाद कंट्रोल आर करेंगे तो वो रिपीट हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है। तो ये तरीका ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते हैं। एक तरीका प्रोफेशनल तरीका है वो ट्रांसफॉर्म टूल यूज़ करने का। तो उसका दो तरीका है। आप विंडोज़ में जाएंगे, डॉकर में जाएंगे, और यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म करके एक ऑप्शन मिल जाएगा। या तो आप इसको यहाँ से यूज़ कर लीजिए, या फिर आप इसका एक शॉर्टकट की है, आप उसके लिए Alt F7 जब दबाएंगे तो भी वो आ जाएगा। सॉरी, ये कंट्रोल दब गया। Alt F7 आपको दबाना होगा। Alt F7 पे आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, इसमें भी कई ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन जो है आपको पोजिशन है, दूसरा रोटेट है, तीसरा स्केल है, चौथा साइज़ है, और पांचवा स्क्यू है। तो आज मैं आपको दो तरीके इसके बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी सब बताने में। पोजीशन यूज़ करता हूं, फ़ोटो सेलेक्ट किया, डायरेक्शन दिया, दूरी जितनी सेट करनी है, यहां पे ये फ़ोटो की साइज़ दे रही है, इससे थोड़ी सी दूरी आप बढ़ा लीजिए स्पेस देने के लिए। कॉपीज़ आपको जितने चाहिए उतने कॉपीज़ सेट कर लीजिए और अप्लाई करिए। तो देखिए, ये अपने आप को फ़ोटो को उतनी उतनी दूरी पर सेट करता जा रहा है। सेम तरीके से आप इसको नीचे भी कर सकते हैं। फ़ोटो को सेलेक्ट कीजिए, पोजीशन नीचे की तरफ कर दीजिए, साइज़ आप अपने हिसाब से यहाँ सेट कर लीजिए जितनी दूरी आपको चाहिए, उसके बाद आपको कॉपीज सेट करनी है और अप्लाई करिए। तो ये उतनी उतनी दूरी पे फ़ोटो सेट हो रहा है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो ऐसे ही लोग प्रिंट निकालने के लिए सेटिंग करते हैं। तो ये एक तरीका हो गया, ये फ़ोटो से हो गया। अगर आप कोई ड्रॉ करते हैं डिज़ाइन, जैसे मैं ये डिज़ाइन ड्रॉ किया और सेम तरीके से इसको पोजिशन पर यूज़ करूँगा अगर मैं, तो ये देखिए ये इसका रिपीट करता जा रहा है सेम दूरी पर। तो ट्रांसफॉर्म का एक ये पहला तरीका है। तो ये हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि बस यही चीज़ ट्रांसफॉर्म टूल की सहायता से आप अच्छी डिज़ाइन बना सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं, किसी राखी की डिज़ाइन बना सकते हैं। वो कैसे होगा वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने इसको बड़ा कर ले रहा हूँ कैनवस को, और उसके बाद एक सिंपल सा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने डाउनलोड कर लिया, ड्रॉ कर लिया सॉरी। अब मैं इसको रोटेट पे जाता हूँ, रोटेट पे गया, एंगल में 15 डिग्री दे दे रहा हूँ, 15 डिग्री टर्न करना है मुझे, कॉपी एक रहेगी। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ, मैं इसको अप्लाई किया, देखिए ये इसकी कॉपीज़ बना रहा है। इसको तब तक करना है जब तक एक सर्कल पूरा ना बन जाए, कुछ इस तरीके से ये सर्कल बन गया। अब मुझे इसको पूरा का सेलेक्ट करना है एक बार में, मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और रेड कलर इस पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अब अच्छी डिज़ाइन देने के लिए मुझे कंप्यूटर के उससे कंट्रोल एल दबाना है। कंट्रोल एल में जैसे ही दबाऊंगा, एक प्यारी सी राखी की डिज़ाइन कह लीजिए या फिर रंगोली कह लीजिए, जो भी आप कहना, कुछ इस तरीके की डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगी। देखिए कितनी सुंदर लग रही है और कितनी आसानी से बन गई है। ये है पावर ऑफ ट्रांसफॉर्म टूल, इतना पावरफुल है ये टूल। मैं दूसरे डिज़ाइन करके आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको किया, ठीक है। अब ये ड्रॉ करने के बाद मुझे क्या करना है, एक सेकेंड, इसका सेंटर पॉइंट है, मैं इसको यहाँ पर रख दे रहा हूँ। अब इसके बाद मैं इसकी कॉपी करना शुरू करूँगा, ये कॉपी हो रही है, और इसको भी पूरा मैं सर्कल करता हूँ। ये आप ध्यान दीजिए, बीच में जो सर्कल बन रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। जब ये सर्कल पूरा हो जाए, मेरे ख्याल से पूरा हो गया, अब इसको मुझे पूरा सेलेक्ट करना है। पूरा सेलेक्ट करके मैं वापस रेड कलर ड्रॉ करूँगा और कंप्यूटर के कीवर्ड से कंट्रोल एल दबाते ही देखिए एक प्यारी सी डिज़ाइन बन के रेडी हो गई है। ये मतलब आप इसका पावर देखिए कि इस टूल का पावर कितना ज़्यादा है, कि आप कठिन से कठिन डिज़ाइन जो है वो चुटकियों में बना सकते हैं। तो ये दो डिज़ाइन हो गई।
मैं आपको एक डिज़ाइन और बना के दिखाता हूँ। मैं इसको थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ और आपको एक और डिज़ाइन बना के दिखाता हूँ कि आप खुद सोचिए। आप मैं तो बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन आप भी इसको जब यूज़ करेंगे, जो टूल्स यूज़ करेंगे, तो आप अलग अलग तरीके की डिज़ाइन बनाइए और उस पर ट्राई करिए। कि मैं भी ट्राई किया हूँ, मैं मुझे नहीं पता था कि ऐसी डिज़ाइन क्रिएट होगी, लेकिन मैंने इसको ट्राई किया तो फिर जाना कि इसका पावर कितना है। तो मैं सोचा आपके साथ भी ये शेयर करूँ। तो आप अभी मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लिया हूँ और मैं सर्कल को ट्राई करता हूँ करने का। तो देखिए ये हो क्या रहा है कि इसका सेंटर एक्चुअली बीच में है, इसलिए कहीं कॉपी नहीं हो रही है। मुझे क्या करना होगा, मुझे इसका जो सेंटर है सर्कल का, उसको वहाँ से हटाना पड़ेगा। और देखिएगा अभी तक की सबसे सुंदर डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगी। मैं इस सर्कल को उठा के यहाँ पर रख दे रहा हूँ और अब कॉपी करना शुरू करता हूँ, सिंगल कॉपी। अब देखिए ये बन रहा है और अभी तक की सबसे सुंदर रंगोली बोलिए चाहे राखी बोलिए बन के तैयार हो जाएगा। बस ध्यान देखिए ये सर्कल रेडी हो गया। ओके, इस पूरे को वापस मैं सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसमें रेड कलर फिल करता हूँ। वापस कीबोर्ड से कंट्रोल एल दबाते हैं और देखिए आप कितना सुंदर डिज़ाइन बन के रेडी हो गया। अगर ऐसे डिज़ाइन बनाने को आपको कह दिया जाए तो आप सोचेंगे ये डिज़ाइन बनेगी कैसे, लेकिन ये एक टूल का पावर है कि इतनी खूबसूरत डिज़ाइन आपको सिंगल क्लिक में करके वो दे देता है। तो अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियोस पसंद आ रहे हों, कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए। और मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहूँगा ताकि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिले। आप हमसे जुड़े रहिए, मैं लगातार वीडियो डालता रहता हूँ डेली बेसिस पे। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।